वेलकम डियर स्टूडेंट्स आई एम रविंद्र कुमार सो जी ऐसी टेक्निकल यूट्यूब टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है सो टुडे आई विल स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पावर प्लांट बेसिकली दिस टॉपिक इज़ द आई सी इंजिन पार्ट बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एयर स्टैंडर्ड साइकिल सो दिस साइकिल विल बी ऑल्सो कम इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल सो वन आर टू क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क बाय दिस पर्सन सो i will dictate one by one auto diesel and dual okay not in a thoroughly, but only short card and what is the question uh, what is the type of question will be asked in question examination so will we will be discuss okay to so, beta dekho aapka kya tha aapka ye auto cycle hai okay kya ye ic engine ka part hai hum kya karenge हम अभी क्या बनेंगे साइकिल के बारे में डिसाइड कर रहे हैं ठीक है हम साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है हमें पूरी प्रोसेस नहीं पढ़ना है पूरी प्रोसेस नहीं पढ़ा है हम किस में पढ़ेंगे वो आईसी इंजन में पढ़ेंगे पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ठीक है अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करता हूँ तो आपसे पहला क्वेश्चन पुछ यही पूछा जाता है बेटा कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं कौन से कौन से प्रोसेस होते हैं ठीक है, है तो आपको क्या बताना पड़ेगा इसमें दो आइसन प्रोसेस होते हैं और दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ तो हीट एडिशन कहाँ पे होता है आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है और हीट रिजेक्शन कहाँ पे होता है आपका ठीक है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है ओके हीट एडिशन कहाँ पे होता है आपका तो क्वेश्चन ये भी पूछा था हीट एडिशन कहाँ पे होता है तो वो लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर और हीट रिजेक्शन कहाँ पे भी होता है वो भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है उसके बाद मैंने क्या पी वी डाइग्राम ड्रा किया है क्या यार पी वी डाइग्राम ड्रा किया है और ये क्या आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ठीक है ये क्या आपका कॉन्सटेंट वॉल्यूम है आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन है क्या आपका स्ट्रेट लाइन है ओके okay, और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है इसका मतलब मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब होगा आपका इंट्रोपिक कांस्टेंट है वहां पर ओके okay? इंट्रॉपिक क्या होगा कांस्टेंट है देखो प्रोसेस वन से आप क्या किया अगर आइस इंजन की बात करते हैं उसमें तो हमारा क्या करता है जो गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं इंटेक करते हैं इंटेक करने के बाद क्या करते हैं स्ट्रोक ठीक है कंप्रेशन होता है कंप्रेशन स्ट्रोक होता है फिर हीट एडेशन एक्सपेंसन ये फोर स्ट्रोक होता है इसमें ना आप क्या होता है फोर स्ट्रोक होता है तो कंप्रेशन होता है ठीक है यहाँ पर पावर स्टॉक होता है फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर एक्सपेंसन होता है हीट रिलीज होता है ठीक तो है तो ये प्रोसेस होते हैं सेम प्रोसेस वही है आपका मैंने एक साइकिल पर ड्रा कर रखा हूँ वन टू थ्री फोर आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कौन सा हीट एडिशन है और कौन सा हीट रिजेक्शन है ओके कौन सा कंप्रेशन प्रोसेस है और कौन सा क्या आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछ सकता है ग्राफ दे देगा ठीक है आपसे पूछ देगा कि ये इरेक्शन साइकिल है कि क्या ये आपका ब्रिटन साइकिल है या आपको ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल है तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस ऑप्शन में से चार ऑप्शन दे देंगे ठीक है और आपको कह रहे हैं ग्राफ क्वेश्चन में दिया होगा ग्राफ क्वेश्चन से आप क्या करोगे टिक करोगे ये कौन सा साइकिल है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस है और कौन कौन सा प्रोसेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं ओके टी एच डायग्राम में मैंने क्या किया क्या किया है? टी एस डायग्राम में ठीक है वॉल्यूम क्या था आपका कॉन्स्टेंट था तो यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम कर्व है यहाँ पर और ये बेटा क्या आपका इंट्रॉपी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है इंट्रॉपी क्या आपका कांस्टेंट है यानी कि ये हो गया आपका कंप्रेशन ठीक है हीट एडिशन ये क्या हो गया हीट एडिशन ठीक है और ये क्या हो गया हीट रिजेक्शन प्रोसेस ठीक है और ये हो गया आपका एक्सपेंशन तो ऑटो साइकिल में हमें ये याद रखना पड़ेगा इस साइकिल के बारे में कौन सा प्रोसेस है देखो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ऑटोसाइकिल की बात कर रहा हूं, तो सपोज़ पीवी डायग्राम देखता हूं, पीवी डायग्राम देखता हूं, तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है ठीक है क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है वो हम देख लेते हैं देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या आता है यहाँ से देख लेते हैं इसका मतलब ये यहाँ पे देखूँ मैं वन ए माना हूँ तो क्या हो जाएगा वी वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका वी टू हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब अगर मान लो मैं पिस्टन और सिलेंडर की बात करता हूँ किसका बात करता हूँ पिस्टन और सिलेंडर की बात करता हूँ तो मान लिया मैंने ये आपका सिलेंडर है ठीक है और ये आपका पिस्टन है ठीक है ये आपका पिस्टन है जो क्या करेगा मूव कर रहा है मान लो पिस्टन आपका यहाँ पे आया मान लो ये पिस्टन यहाँ पे आया तो अब देखो इसे बोलेंगे बॉटम डेड्स सेंटर इसे बोलेंगे टॉप डेड सेंटर तो अगर मैं बोलूँ आपका ये क्या आ गया मान लिया जाए ये आपका क्या हो गया पिस्टन यहाँ मूव किया तो क्या किया आपका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या किया ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया इसका मतलब इस वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग स्वेफ्ट वॉल्यूम कितना वॉल्यूम क्या किया कवर किया उसे बोलेंगे हम लोग सेफ्ट वॉल्यूम तो इसे हम क्या डिनोट करते हैं वी से ठीक है स्वेफ्ट वॉल्यूम किसे डिनोट करते हैं हम लोग वी से देखो अगर मैं बात करूं सर आप मैंने ये एक लेबल दिखा रखा हूं इतना नहीं होता लेकिन एक लेवल होता है ये वाला ठीक है आप देखोगे सिलेंडर और पिस्टन के ऊपर पोर्शन में थोड़ी सी गैप रह जाती है ठीक है तो ये आपका होता है क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है आपका हाँ क्लियरेंस वॉल्यूम ठीक है तो क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया तो यहाँ से बेटा एक कंप्रेशन रेशियो निकालते हैं क्या निकालते हैं कंप्रेशन रेशियो तो कंप्रेशन रेशियो को डिनोट करते हैं हम लोग आर के से ठीक है किसे डिनोट करते हैं आर के से ये हो गया कंप्रेशन रेशियो ठीक है तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है आपका क्या होता है जी कंप्रेशन रेशियो अगर आपसे थियेटिकल वैल्यू पूछे आपसे क्वेश्चन पूछा पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया थियरेटिकल फॉर्म में कि आपको कंप्रेशन चार ऑप्शन दे देगा तो क्या बोलोगे ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें होता है टोटल वॉल्यूम क्या होता है टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन ओके वैन 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 पिस्टन पिस्टन गोज बॉटम डेड सेंटर ओके ये मैंने ऐड कर लिया है समझने के लिए टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन का आपको मतलब दे दिया जाएगा तो आप सब क्या समझोगे कहाँ से कहाँ तक हुआ ठीक है ओके okay. इसके बाद क्या आ गया इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पिस्टन कहां पे होगा आपका टॉप डेड सेंटर पर ठीक है पिस्टन एट पिस्टन एट टॉप डेड सेंटर तो आप देख रहे हो जो पिस्टन मूव कर रहा है यहां से लेके यहां तक ओके तो आपका दो वॉल्यूम कवर हो रहे हैं ये तो वीसी तो है ही है इसके बाद वीएस और हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम वालीम बुलाएं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है टोटल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, तो बेटा ये आर के हो गया आपका ठीक है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों इनिशियल वॉल्यूम पूछा है तो इनिशियल क्या है आपका यही तो है इनिशियल जो पहले से पड़ा हुआ है ओके इनिशियल आपका क्या है वी है ठीक है अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस बी एस वाई वी सी ये क्या होता है आपका कंप्रेशन रेशियो ओके क्या हो गया कंप्रेशन रेशियो अच्छा ये तो फार्मूला आपको पता हो गया ठीक है फार्मूला आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये कितनी बार पूछा गया है आप देख लेने आके कंप्रेशन रेशियो का डेफिनेशन ही पूछा गया है ठीक है मैंने एक फिगर्स बनाया आप ये समझ जाओगे कब तक ठीक है कभी कभी आपसे बोल देगा फाइनल वॉल्यूम दे देगा ठीक है टोटल एक्सपेंशन वॉल्यूम दे देगा तो आपको क्या कर रहा है उस जो लैंग्वेज दी होगा समझना होगा क्या कर रहा है क्या लास्ट वाला पोर्सन हमारे पिस्टन कहां पे है ठीक है लास्ट पॉइंट पे है तो वो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय अभी हमारा पिस्टन कहा इनिशियल पे है तो आपसे देखोगे यहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम होगा ओके तो इस केस में ये हो गया के ठीक है के क्या बेटा आपका कंप्रेशन रेशियो ओके तो हमने नाम दे दिया इसे कंप्रेशन रेशियो आपसे हमको बुलाएंगे इसको कंप्रेशन रेशियो अब देखो इस केस में देखो पीबी डायग्राम में ठीक है पिस्टन हमारा यहाँ से मुक्त कर रहा है जीरो से मान लिया कि जीरो ये पोर्शन ओके मान लो अभी पिस्टन मान लो यहाँ पे था यहाँ पर तो कुछ क्लियरेंस रहा होगा ये अरे कुछ क्लियरेंस रहा होगा ठीक है कुछ क्लियरेंस रहा होगा अब पिस्टन कहाँ गया आपका लास्ट पोर्शन पे गया ठीक है लास्ट पोर्शन पे गया तब इसका मतलब वॉल्यूम में बोलूं यहां से लेके ये क्या हो गया वी वन ठीक है तो वी वन क्या हो गया टोटल वॉल्यूम हो गया ना जी अरे यहां से देखो ये जीरो पॉइंट से लेके वहां इधर देखूंगा जितना भी वॉल्यूम पे जा रहा हूं तो ये वी वन आ रहा है वी वन क्या हो गया इसका मतलब जीरो से लेके यहां तक का ये वॉल्यूम हो गया ना ये यहां से लेके यहां तक के वॉल्यूम हो गया इसका मतलब ये टोटल वॉल्यूम हो गया ठीक है क्लियरेंस वॉल्यूम यहां से यहां तक बोलूंगा वी टू वी टू जो है आपको क्या है ठीक है इसको मैं इसको कर करता तो आपको क्या ये ये वॉल्यूम वी टू है तो वी वन बाई वी टू क्या हो गया आपका यहाँ से डेफिनेशन तो यही बोल रहा है डेफिनेशन तो यही बोल रहा है कि फाइनल वॉल्यूम मतलब कि आपका क्या गया वन पे या मैं मान लू प्रोसेस फोर्थ से फोर्थ तक गया ये गया एक्सपेंसन प्रोसेस ना तो यहाँ पे पहुँचा यानी कि वी वी वन इजल टू क्या है यहाँ पर वी फोर कॉन्सटेंट वालूम है ना ये वी टू बराबर वी थ्री ओके तो इस केस में आप देखोगे v1 वन बाई वी टू ये टोटल वॉल्यूम हो गया ये क्या हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया इसको डिवाइड मैंने किया तो क्या जाएगा ठीक है कंप्रेशन रेशियो तो कंप्रेशन रेशियो आप इसे निकालने के लिए जाएगा तो वैसे भी निकाल सकते हो इस कर्व से ओके तो अब देखता हूं इसके प्रोसेस के आगे इसके प्रोसेस है इसके प्रोसेस देखो तो हीट एडिशन कहां पर हो रहा है हीट एडिशन एफिसंसी की बात करता हूं किसकी ऑटोसाइकिल की तो ठीक है हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे लेकिन अभी बता रहे हैं कैसे तो क्यू एडिशन ठीक है माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाई क्यू एडिशन यही तो होता है फार्मूला क्यू एडिशन ही जो हीट ऐड हो रही थी किस पे हो रही थी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर तो इसके लिए हो जाएगा एम सी बी ठीक है कहां से कहां तक हो रही थी ये प्रोसेस देखो कहां से कहां तक प्रोसेस हो रही थी दो से तीन दो से तीन यानी कि आपका हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू माइनस क्यू रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका टी फोर से वन हो जा रहा है इसका मतलब क्यू रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका ठीक है हाँ एम्स ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा टी फोर माइनस टी वन ठीक है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर एम सी बी टी थ्री माइनस टी टू ठीक है हमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधा क्या पूछा जाता है इसका एफिशिएंसी पूछा जाता है ऑटो साइकिल का तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मैं निकालूं अगर तो यहां से मैं देखता हूं वन माइनस इसको सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन हो जाएगा सी बी सी कट जाएगा टी फोर माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू वहाँ से कॉमन लेंगे टी वन और टी टू कामन ले लेंगे टी टू और कामन ले लेंगे यहाँ से तो अब क्या हो जाएगा एक रिलेशन बनता जाएगा वहाँ सॉल्व करोगे तो बचेगा क्या आपका वन बाई आर के टू पावर गामा माइनस वन ठीक है ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ ऑटोसाइकिल आपको पता होगा ठीक है आर आर के क्या आपका आर के क्या कंप्रेशन रेशियो ओके okay. तो ये वैल्यू हमारी होगी अब देखो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं क्वेश्चन पूछे आते हैं अगर कंप्रेशन रेशियो मैं बढ़ा दूँ तो ऑटोसाइकिल पर क्या इफेक्ट आएगा अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाता हूँ तो ऑटोसाइकिल पर क्या एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा अगर मैं बात करता हूं मैन क्या बढ़ा रहा हूं हम आर के की वैल्यू इंक्रीज कर दे रहा हूं तो एफिशिएंसी क्या होगी अच्छा ये देखो आर के वैल्यू मैंने इनक्रीज किया इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ा अरे ये वैल्यू बढ़ा ये वैल्यू बढ़ा वन डिवाइड बाई इतना है तो अगर वन वैल्यू बढ़ा करेंगे तो क्या जाएगा कम होगा तो वन में से कम घट करेंगे तो क्या होगा मान लो एक बट्टे दो था एक बट्टे तीन था ठीक है तो वन माइनस वन माइनस एक बट्टे दो और वन माइनस एक बटे तीन यानी कि मैंने आर के एक वैल्यू बढ़ा रहा तो दो से तीन हो गया क्यों ये वैल्यू बढ़ा तो ये क्या होगा अरे ये क्या हो रहा देखो ना ये वैल्यू क्या हो रहा है ये पॉइंट थ्री थ्री होगा ना और ये कितना होगा तो वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ आर के वैल्यू तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है मतलब कि दो से तीन हो गया तो ये वैल्यू क्या हो रही है बढ़ती कम होती जा रही है इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो रही है घट रही है एहाँ से घटाओगे तो पॉइंट फाइव आएगा यहाँ से घटाओ कितना आ जाएगा पॉइंट सिक्स सेवन आ जाएगा और कम करोगे तो क्या हो जाएगा ठीक है एफिशेंसी क्या हो रही है अरे देख लो ना यहीं से रख के फुट करके वैल्यू देखो ना यहीं पर तो एफिशियंसी क्या हो रही है हमारे यहाँ पर बढ़ रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा तो आप efficiency निकाल लोगे ओके okay? गामा के वैल्यू भी बढ़ा दिया जाए सपोज गामा के वैल्यू भी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा सेम प्रोसेस वही है गामा अगर वन पॉइंट फोर लेते थे वन फोर माइनस फोर यानी कितना जाएगा जीरो पॉइंट फोर अगर मान लो वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स ले रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही तो ये वैल्यू भी इनक्रीज कर जाएगा अगर इसको कंप्रेशन रेशियो कॉन्स्टेंट रखा हूँ मैं ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा फिर इनक्रीज होगा ठीक है तो आप देख रहे हो कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है दोनों केस में ठीक है पॉलिट्रॉपिक इंडेक्स जो भी है आपका गामा ठीक है स्पेसिफिक ये है ना कि इंडेक्स कांस्टेंट और आर के वैल्यू का कंप्रेशन रेशियो बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है हमारी एफिशिएंसी ठीक है बढ़ रही है समय आई चीज़ें तो आप इस एक्सप्रेशन से क्या निकालेंगे ठीक है एफिशिएंसी क्या हो रही है हमारे साइकिल की बढ़ रही है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या पूछे जाते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है आपका ओके okay. तो ये होता है आपका वर्क डन भाई वर्क डन की बात कर रहा हूं तो वहां नेट की बात कर रहा हूं किसका नेट नेट वर्क डन की बात कर रहा हूं अपान स्वेफ्ट वॉल्यूम ठीक है तो बेटा स्विफ्ट वालूम की बात करता हूं तो क्या ये मैंने अगर एक साइकिल की बात किया था किसकी बात किया था ये ऑटो साइकिल की बात करें तो V1 और V2 तो यहां से टॉप से लेके बॉटम ड्रेड के बीच में जो स्विफ्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा अरे टोटल में से यहां में से यहां घटा देंगे तो यही तो स्विफ्ट वॉल्यूम बचा ना यहां से यहां तक का अरे ये वैल्यू में से इतना वैल्यू घटा देंगे तो क्या बचेगा यही तो बचेगा यही स्विफ्ट वालूम हो रहा है यही आपको क्या है टॉप डेड सेंटर है ये ये क्या है बॉटम डेड सेंटर है तो यहां से वॉल्यूम ट्रेवल कर रही है कितना घटाया ये घटाया जो क्लियरेंस था तो बचा कितना ट्रेवल किया है यही तो किया वी वन माइनस वी टू तो ये हो जाएगा ठीक है वर्क डन आप निकालोगे किससे निकालोगे यहां से ठीक है स्विफ्ट वॉल्यूम में लिख रहा हूँ यहाँ पर वी वन माइनस ओके तो क्वेश्चन में डायरेक्टली फार्मूला ही पूछे जाते हैं ठीक है यही पूछ लिया जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर या तो क्वेश्चन में देगा लिख दिया होगा ठीक है वॉल्यूम दिया होगा दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वॉल्यूम निकालोगे इसे डिवाइड करोगे ठीक है या मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया होगा स्विफ्ट वॉल्यूम दिया होगा डन पूछ लेगा तो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट दे सकता है क्वेश्चन ठीक है अब क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन आए हुए हैं ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डीजल साइकिल ओके तो डीजल साइकिल में क्या होता है आपका कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एक होता है वन आइसोबेरिक क्या क्या प्रोसेस होता है बेटा एक हाँ, आइसोबेरिक आइसोबेरिक होता है टू आइसन एंड एक प्रोसेस क्या होता है और आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन यही होता है आपका तो अगर मैं इसको ड्रा करता हूं पीबी और टीएस डायग्राम तो हमें क्या दिखता है ओके तो ये रहा आपका यही समझा देखो ये फिगर हो गया वन टू थ्री फोर देखो ये हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर में ये पी डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तो यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है ठीक है हीट एडिशन हो रहा है और हीट रिजेक्शन कहाँ पर हो रहा है ठीक है और ये क्या हो गया वही है आइसन ट्रॉपिक एस इजल टू कॉन्स्टेंट ये क्या हो गया कंप्रेशन में हो गया ठीक है और ये क्या हो गया आपका एक्सपेंशन में हो गया क्या हो गया आपका एक्सपेंशन में हो गया तो ये हमारा क्या हो गया कौन साइकिल होगी अगर मैं टी एस डायग्राम में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा ये टी एस डायग्राम में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा वन से टू आपका क्या था आपका आइसन ट्रॉपिक था टू से थ्री क्या आपका आइसोबेरिक है ठीक है थ्री टू फोर क्या आपका क्या है और ये क्या आपका प्रोसेस फोर टू वन ठीक है तो वन टू थ्री फोर ओके देखो ये एच इक्ल टू कॉन्स्टेंट ये पी इक्वल टू क्या है और यह वी इक्वल टू मैंने बताया था आपको टी एस में वी का कर्व क्या होता है ऊपर होता है वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यही बताया था मैंने तो यहाँ से देखोगे इसका स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू पी इक्वल टू सी से कॉन्सटेंट से तो अब देखोगे का स्लोप ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया हमारा कौन सा साइकिल साथी? डीएल साइकिल ठीक है यहाँ हीट एडिशन हो रहा है और हीट रिजेक्शन हो रहा है ओके okay? एफिशिएंसी की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा डीजल की जो डीजल की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से एडिशन क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन अपन क्यू एडिशन सेम एडिशन किसमें हो रहा था आपका सीपी किसपे हो रहा था टी थ्री माइनस किसपे हो रहा था दो से तीन ना? ये हो जाएगा देखो सीपी लिख रहा हूं यहां पे क्या है आपका ठीक है रिएक्शन कांस्टेंट वालों में तो सीबी हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना ये हो जाएगा आपका T4 फोर माइनस टी वन हायर टेम्परेचर अपॉन लोअर टेम्परेचर एडिशन हो जाएगा आपका एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू इसको सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी क्या आती है एफिशिएंसी आप डीजल साइकिल ठीक है क्या हो जाएगा वन वन माइनस वन बाई आरके टू पावर गामा माइनस वन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आरसी क्या हो जाएगा टू पावर गामा माइनस वन अपान आर सी माइनस वन ये हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा वन इंटू क्या हो जाएगा वन बाई यही रहा है एफिशिएंसी यही है ना क्यों जी पढ़े हो क्या तुम लोग ये गामा नहीं रहेगा ये पूरा ही है इतना ही है ना तो आप यहां से देखो एफिशिएंसी आपने निकाल लिया ठीक है अगर बताओ अब बताओ इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरिएशन पहला अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एफिशिएंसी पर बताओ कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दे रहा हूं मैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका एफिशिएंसी? घटेगा कैसे कि बढ़ेगा कंप्रेशन रेशियो ये है आपका ये आरसी आपका क्या है आपका कट ऑफ रेशियो है ये ये कट ऑफ रेशियो है ठीक है हम किसकी बात कर रहे हैं कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहे हैं अगर मैं कंप्रेशन रेशियो बढ़ाता हूं तो हमारी एफिशिएंसी डीजल की क्या होती है, है? अरे इसको अभी छोड़ो वही बताया था मैंने ठीक है गामा भी बढ़ाओगे तो भी क्या बढ़ेगी हैं अब देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आरसी की वैल्यू बढ़ाते हो तो क्या होगा देखो मैं बोलूँ कट्टाप रेशियो बढ़ाता हूँ कटाप रेशियो बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा देखो कट्टाप रेशियो बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ाओगे इसका मतलब गामा है तो इन वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी और तो ये वैल्यू इंक्रीज़ कर गई मैं से घटाओगे इंक्रीज कर गई इसमें भी क्या करोगे इंक्रीज़ कर गई तो ये गामा वैल्यू दिया है ना यहाँ पर तो हाँ तो ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू इंक्रीज़ कर गई यानी कि पूरी की वैल्यू क्या हो रही हमारी इंक्रीज़ कर रही है ठीक है अभी कंप्रेसर कमर को छोड़ दो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वन में से वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होती जाएगी एफिशिएंसी अरे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो वन में से घटाओगे कुछ चीज बड़ी बढ़, वैल्यू तो क्या आएगी छोटी वैल्यू आएगी ना है तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं ठीक है एक क्वेश्चन और आया है अगर मैं कटऑफ रेशियो जीरो कर दूं कटऑफ रेशियो जीरो कर दूं तो क्या होगा कट ऑफ रेशियो जीरो करता हूं तो क्या होगा बताओ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी अरे ये लो जीरो में से घटाओगे माइनस वन तो माइनस वन बचेगा जीरो में से माइनस वन घटाओगे तो माइनस वन वन जाएगा तो वन बचेगा वन हो जाएगा तो बचेगा क्या तो कहोगे सर ये जो अफिशेंसी जाएगी अगर कटाप रेशियो जीरो हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटो साइकिल में अरे यही तो ऑटो साइकिल ऑटोसाइकिल था वन माइनस वन बार मार्केट फॉर माइनस वन है तो अगर मैं कट ऑफ रेशियो जीरो कर दूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर कट ऑफ रेशियो जीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा ऑटो साइकिल हो जाता है वो ओके तो ये सब पॉइंट हैं जो आपने पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे क्यों अब डीजल डुबल वाला भी देखो डुअल साइकिल में क्या होता था अब बताओ पढ़े हो ना क्या होता था टू आइसन ट्रॉपिक बिल्कुल सही टू आइसन ट्रॉपिक और क्या होता था एक हीट एडिशन क्या होता था आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एडिशन एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट और हीट रिजेक्शन किसमें होता था आपका हीट रिजेक्शन एट यही तो था आपका इसका मतलब मैं पीवी डायग्राम ड्रा करूं तो आप देखोगे तो ये प्रोसेस आपका यही था कुछ वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे क्या था वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ भी हीट एडिशन हो रहा है और यहाँ भी हीट एडिशन हो रहा है यानी की वन हो रहा है यहाँ पर और क्यू थ्री आपका रिजेक्शन हो गया ठीक है तो ये हमारा कर्व क्या हो गया पी वी डाइग्राम तो डायग्राम देखो दोनों पूछा जाता है अगर आप पी वी डाइग्राम दे दिया टी एस डाइग्राम और पूछ लेता है कि कौन सा साइकिल है ठीक है तो अगर मैं टी एस डाइग्राम बात करता हूँ ठीक है टी एस डाइग्राम की बात करता हूँ तो टी एस में वन से टू प्रोसेस क्या हो गया आपका वन से टू प्रोसेस आइसन ट्रॉपिक हो गया वन से टू प्रोसेस आइसन ट्रॉपिक हो गया टू से थ्री क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब इसका कर्व ज़्यादा ऊपर जाएगा क्यों जी और कॉन्स्टेंट प्रेशर है इसका मतलब कर इसका थोड़ा सा और नीचे आएगा ठीक है इसका मतलब आप देखो कौन सा प्रोसेस है फोर टू फाइव ठीक है और फाइव टू वन ये आपका क्या है कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये ऐसे समझ आया तो ये आपके कौन सी प्रोसेस हो गई ठीक है डुअल साइकिल हो गई तो डुअल साइकिल में आपसे ये पूछा जा सकता है ये होगी आपकी डुबल साइकिल ठीक है एफिशिएंसी इसका निकालोगे एफिशिएंसी फॉर्मूला बड़ा है पूछा नहीं जाता अभी तक पूछा नहीं गया कभी ठीक है एफिशिएंसी का फार्मूला अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है ओके तो ये रहा आपका डी ऑटो डीजल और ड्यूअल साइकिल ठीक है इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं ठीक है तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन पूछा है कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ठीक है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बताओ उस साइकिल का किसका ऑटो साइकिल का किसका ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बताना हमको ऑटो साइकिल का ठीक है हैविंग कंप्रेशन रेशियो दिया है हैविंग कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो ठीक है फोर ओके एंड एडियाबेटिक एक्सपोनेंट एंड एंड एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ठीक है इसका मतलब गामा इजकल टू वन पॉइंट फाइव गिवे नहीं है ये. ठीक है तो इसका कितना होगा विल बी बताओ ऑप्शन दे रखा आपका फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट बी ऑप्शन दिया आपका सेवेंटी फाइव परसेंट सी ऑप्शन दिया आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड डी ऑप्शन दिया आपका फाइव परसेंट ओके तो कितना आ जाएगा आपका ऑटोसाइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था आपका देखो ऑटोसाइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वन अपान वन अपान आर के टू पावर गामा माइनस वन तो यहाँ पे देखोगे वन माइनस आर के वैल्यू दे रखा है फोर गामा के वैल्यू दिया है वन पॉइंट फाइव माइनस वन ठीक है इसका मतलब ये हो गया वन डिवाइड बाई वन अपन फोर टू पावर क्या होगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव का मतलब हाफ हुआ ठीक है यानी अंडर रूट है तो कितना हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू इसका मतलब क्या वन बाई टू आ जाएगा मतलब फिफ्टी परसेंट ओके तो एक बेसिक क्वेश्चन था स्टार्ट से किस पे बेचता आपका ऑटो साइकिल पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक चीज और देख लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पढ़ाया गया होगा आपको फाल सेम मैक्सिमम प्रेशर और हीट एडिशन पढ़ा होगा आपने ठीक है अगर आपसे बोला जाए बच्चों कि एक अगर तीनों एफिशिएंसी दे रखी हो ठीक है किसकी एफिशिएंसी ऑटो की दे रखी हो और डीजल की दे रखी हो और डोल्व की दे रखी हो ठीक है तो इसमें केस बनते थे कौन कौन केस बनते थे आपसे पता है आपको कौन से केस देखो इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन ठीक है फॉर क्वेश्चन पूछा जाए सपोज फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो क्या पूछा जाए फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो ओके एंड हीट रिजेक्शन एंड हीट रिजेक्शन तो इस केस में एफिशिएंसी होती थी, थी आपकी ठीक है इस केस में एफिशिएंसी क्या होती थी देखो ऑटो साइकिल हमेशा ज़्यादा होता था ठीक है डुअल साइकिल हमेशा ज़्यादा उसके बाद होता है लास्ट में क्या था आपका डीजल साइकिल ठीक है देखो याद करने का तरीका है आपसे क्वेश्चन में कभी भी कंप्रेशन रेशियो दिया जाए किसी भी पोर्शन में कंप्रेशन रिश्ते दिया उसके साथ कोई भी वर्ड दिया हो चाहे हीट रिएक्शन की बात हो जाए हीट एडिशन की बात हो रहा है ठीक है तो आप हमेशा ठीक है क्या करोगे क्या करोगे हाँ डुजल ठीक है याद करने के लिए क्या था आपका और डी ठीक है ओ से हो गया आपका ऑटो डी से होगा डी आई से हो गया आपका डीजल ठीक है तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं कंप्रेशन एस दिख जाए तो आप हमेशा ये टिक करोगे ओके okay? उसके बाद क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए दूसरा दे, क्वेश्चन देता है आपका फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम प्रेशर ठीक है मैक्सिमम प्रेशर फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड वर्क आउटपुट एंड आउटपुट ठीक है और कुछ भी दे सकता है इसके साथ या आपको दे सकता है हीट इनपुट ठीक है हीट इनपुट तो इस केस में देखो कहीं कंप्रेसर ऋश्यू दिख रहा है क्या नहीं। इस केस में कंप्रेसर ऋशो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इस, इसका उल्टा कर दो जस्ट इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा हाँ ये हो जाएगा डीजल फिर ये हो जाएगा ऑफ डुअल फिर क्या हो जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा ऑटो ठीक है तो ये क्वेश्चन देखो हमेशा पूछे हैं। देखो कहीं कहीं जाते हैं एग्जाम में देखोगे कहीं ना कहीं आपको टपक जाते हैं क्वेश्चन ये तो ये पूछे जाते हैं इसलिए ये देख लेना ठीक है आपको सिर्फ ये याद रखना कंप्रेशन रेशियो उसके बाद आपने जैसे क्रम से पढ़ा होगा ना ऑटो डीजल डि, डीजल ठीक है डुबल बीच में रखना है डीजल लास्ट में रखना है मैंने बता दिया ट्रिक कैसे याद रखनी है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया है फॉर हीट इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड डीजल लिखा है क्वेश्चन दिया है फॉर फॉर एयर स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड ठीक है किसके लिए डीजल साइकिल के लिए डीजल साइकिल द एफिशिएंसी विल बी द एफिशिएंसी एफिशिएंसी विल बी ऑप्शन दे रखा है आपका इंक्रीज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो ठीक है, इंक्रीज एज फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज कट ऑफ रेशियो विल इंक्रीज बी ऑप्शन दिया है नॉट चेंज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज बी दिया है नॉट चेंज ठीक है जब आर क्या हो जाएगा इंक्रीज कर रहे हैं आर सी कटॉप रेशियो को सी क्या दिया है डिक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या डिक्रीज कर रहा है वैन कटॉप रेशियो इंक्रीज कटॉप रेशियो इंक्रीज कर रहा हूँ अब डी क्या हो जाएगा आपका यदि चेंज चेंज एज फ्यूल कट ऑफ रेशियो फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा भाई एफिशिएंसी डीजल के पूछा है ना ये तो इंक्रीज करेगी जब कब कट ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया ठीक है अब देखो क्वेश्चन दिया है फॉर द मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट ठीक है फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द द मोस्ट एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज ब्रिटेन डीजल ड्यूअल ऑटो ड्यूअल क्या हो जाएगा फॉर फार सेम फार सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट फार सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द एफिशंसी ऑफ साइकिल इज मोर किस किसका होगा ऑटो डीजल डूएल एंड ब्रिटन किसका होगा ऑटो होगा क्यों फारैक्म फार मैक्सिम प्रेशर एंड हीट इनपुट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट फिर गलत कर दिया देखो मैंने बताया था इसमें क्वेश्चन दिया फॉर मैक्सिमम प्रेशर फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट हीट इनपुट द मोस्ट एफिशियंस लिखा है मोस्ट एफिसियट साइकिल मोस्ट एफिशियंट साइकिल इज तो ऑप्शन आप दिया आपका ब्रिटन ब्रेटन सेकेंड दिया आपका डुअल थर्ड so, so, दिया आपका डीजल एंड फोर्थ दिया आपका ऑटो देखो इसमें दिया फार मैक्सिमम हीट इनपुट एंड मैक्सिमम प्रेशर। तो देखो इसमें कहीं कंप्रेशन रेस्यू आया जब कंप्रेशन रेस्यू नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा मोस्ट एफिसियंट कौन हो जाएगा आपका डीजल हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा डीजल हो जाएगा इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डीजल अगर यहीं पर मैक्मम कंप्रेशन रेशियो दिया होता अगर बाहर मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो दिया होता तो हम क्या बोलते हैं ठीक है ठीके? अरे ये आप देखो ना पीछे वाला स्लाइड क्या ये ये दिया ये ये क्वेश्चन दिया था इस बार तो मोस्ट एफिशिएंट साइकिल पूछा था ठीक है तो कौन सा हो जाएगा डीजल हो जाएगा अगर कंप्रेशन रेशियो साथ में आ जाता कहीं आपको तो आप क्या लगाते ऑटो साइकिल लगाते तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप रिपीटेड क्वेश्चन ये सब रिपीटेड क्वेश्चन एक, एक साल मतलब कि हर कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं सब चीजें क्वेश्चन दिया है विच प्रोसेस इज नॉट एसोसिएट विथ डीजल साइकिल ठीक है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो डीजल साइकिल में नहीं है पहला ऑप्शन दिया है कॉन्सटेंट प्रेशर कॉन्सटेंट वॉल्यूम एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिखा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट एफिशिएंट ऑफ ऑटोसाइकिल इंजन एज कंपेयर टू डीजल इंजन इज ठीक है मोर लेस इक्वल तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो पे आपका पूछा ऑटोसाइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल ठीक है क्या होगा मोर होगा कंप्रेशन रेशियो ने बता रखा कि कौन सा होगा सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑटो होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे गए मोर लेस इक्वल एंड नन ऑफ दीज तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखो कैसे इसी क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं ठीक है ठीके? एक क्वेश्चन दिया है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट रिजेक्शन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज Same as the diesel cycle, not comparable to diesel cycle, less than the diesel cycle, more than the diesel cycle, more than the diesel cycle. क्वेश्चन दिया है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस द ऑटो साइकिल व्हेन व्हेन द कट ऑफ इंक्रीज व्हेन कट ऑफ डिक्रीज व्हेन कट ऑफ इज जीरो व्हेन कट ऑफ इज कांस्टेंट कट ऑफ क्या हो जाएगा जीरो <laughs> ये क्वेश्चन भी आया है ओके okay. हाँ एक और प्रोसेस है अगर मैं इसमें क्वेश्चन छूट जाएगा देखो अगर मैं बात करता हूँ सपोज किसकी बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ अगर ऑटोसाइकिल की सपोज ठीक है तो ऑटोसाइकिल की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा वन से टू टू से वन से टू थ्री फ़ोर ये टी एस हो गया और ये क्या हो गया पी -बी हो गया ठीक है वन टू थ्री फोर किसकी बात करें हम लोग ऑटोसाइकिल पर तो एक क्वेश्चन पूछा था है, जो मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट क्या अगर मैं वो क्वेश्चन पूछा था फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट ठीक है output, अगर इसमें मैक्सिमम वर्क हमको मिल रहा है तो इस केस में हमें पता होना चाहिए इस केस में अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाए कि मैक्सिमम आउटपुट पावर मिल रहे हमको तो आप देखोगे यहाँ पे T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका T2 बराबर T4 ठीक है और ये जो होगा आपका टेम्परेचर अंडर रूट टी वन इंटू टी थ्री मिनिमम ठीक है या यू कह लो अंडर रूट टी मैक्सिमम इंटू टी मिनिमम इंटू टी मिनिमम टेम्परेचर टी मिनिमम टेम्परेचर क्या है आपका वन और टी मैक्सिमम क्या है आपका टी थ्री और बराबर किसके किसके हो गए तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन आया हुआ है इफ द टी मैक्सिमम एंड टी मिनिमम विल इफ टी मैक्सिमम एंड टी मिनिमम बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन ऑटो साइकिल देन द आइडियल कंडीशन ठीक है देन द आइडियल कंडीशन द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन शुड बी द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन शुड बी दिया है ऑप्शन में दिया है टी मैक्सिमम टी मैक्सिमम प्लस टी मिनिमम ठीक है बाई टू बी दिया आपका ओके अंडर रूट टू मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम सी दिया आपका अंडर रूट टी मैक्सिमम इंटू टी मिनिमम ओके और एक ऑप्शन डी दिया है ठीक है ना ना आप देवो दिया है मान लो तो इसमें दिया है क्या क्वेश्चन पूछा था आपका मतलब आपका दिया वर्क आउटपुट मैक्सिमम है सपोज वर्क आउटपुट मैक्सिमम देन देन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एट एंड ऑफ किसके कंप्रेशन कंप्रेशन के एंड में कितना हो जाएगा तो कंप्रेशन के में क्या टी टू हो जाएगा ना जी ये किसके बराबर हो जाएगा टी फोर यह किसके हो जाएगा हाँ टी मैक्सिमम इन टू तो ये किसका टेम्परेचर याद रखना है? कौन सा टेम्परेचर है ये टी टू क्या टी वन आपका था स्टार्टिंग कंप्रेशन आफ्टर कंप्रेशन पूछा ना ये एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इसका मतलब टी टू पूछा है ठीक है तो आप एक एक टर्म याद रखोगे एक एक टर्म याद रखोगे ओके okay. तो बेटा ये आपके हैं हमारे साइकिल ठीक है ऑटो डीजल डोल और इनमें क्या था कंपेरेबल दिखा दिया ओके okay. तो आज क्लास एर होते हैं इसके बाद आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है हो सकता है कंप्रेसर स्टार्ट करूँ पावर प्लांट में तो ठीक है आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो आप क्या करें इसे तो लाइक करें शेयर करें ठीक है ओके थैंक यू सो मच